हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज आफ्टर हैविंग द डिटेल डिस्कशन अबाउट पेडिग्री एनालिसिस नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम पेडिग्री प्रॉब्लम्स ओके जितना हम पेडिग्री की चार्ट्स को सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा कंसेप्ट हमारा क्लियर होता जाएगा तो बिफोर गोइंग फॉर दिस चार्ट आई मीन इसको सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा पेडिग्री एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो तब आपको उसके बाद ये चार्ट सॉल्व करना बहुत ईजी होगा ओके आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स राइट सो लेट सॉल्व द प्रॉब्लम डायरेक्टली आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑल द ट्रेड्स कौन कौन से होते हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ क्लियर अब इस चार्ट प्रॉब्लम को देखते हैं और फिर हम पता करते हैं कि ये कौन सा ट्रेट है ओके okay. सी यहाँ पे देखिए चार जनरेशन दिए जनरेशन वन टू तो, थ्री एंड फोर लट्सा वह लुक सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे जो पेरेंट्स है उसमें से एक मेल जो है वो अफेक्टेड है अब इसकी जब जनरेशन देखेंगे ये जनरेशन है इसकी ठीक है इसकी कौन कौन सी जनरेशन है वन टू तो, थ्री फोर आप इसमें देखेंगे कि इसमें भी अफेक्टेड है ठीक है अब हम एक और चीज में ऑलरेडी बताया है कि जब अब जब हम ट्रेड का ट्रांसफर देखते हैं मतलब कि जनरेशन में जनरेशन में अपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा तो हम मैरिज जिस कपल में हो रही है उसका नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको देखते हैं ठीक है उसी को ही कंसिडर करते हैं इसको कंसिडर नहीं करेंगे ठीक है दिस वन विल विल नॉट कंसिडर फाइन अब इसकी मैरिज हो रही है तो इससे भी नीचे यहां पे क्या आ रहा है ट्रेट आ रहा है दोनों में ठीक है उसके डॉटर और सन में यहां पे भी मैरिज

देखिए इसमें आप अगर देखेंगे और इसको क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो मेल से है ना मेल में भी जा रहा है और फीमेल में भी जा रहा है ठीक है यहां फीमेल से ये मेल में जा रहा है यहां पे भी मेल से मेल और फीमेल दोनों अफेक्ट हो रहे हैं और यहाँ फीमेल से मेल और फीमेल दोनों अफेक्ट हो रहे हैं यानी कि जो ट्रेट है वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली मेल में होगा या पर्टिकुलरली फीमेल में होगा वो इक्वली दोनों को अफेक्ट कर रहा है एज आई टोल्ड यू अगर इक्वली अफेक्ट करता है तो वो कौन सा ट्रेट होगा दैट विल बी ऑटोजोमल सो ओ दिस वन वॉज वेरी ईजी लेट्स down डाउन द जीनो टाइप तो उससे और आपको क्लियर होगा ठीक है बिकॉज ये क्या हो गया ऑटोजोमल है तो अब मुझे क्या है ऑटोजोमल का मैं एक बार बता देती हूँ उसमें जो अफेक्टेड होगा ठीक है बिकॉज ये डोमिनेंट है तो अफेक्टेड कौन कौन सी होंगी? ये होगा और ये वाला होगा और जो अनअफेक्टेड वाले ट्रेट होंगे उसको हम किस शो करेंगे स्मॉल ए स्मॉल ठीक है दिस वन इज अफेक्टेड नाउ आई हैव अ डाउट कि इसको हमने क्या लिख रहा है ठीक है कैपिटल ए ए स्मॉल या कैपिटल ए कैपिटल ए क्या कौन सा आएगा सी सपोज अगर मैं ये कैपिटल ए कैपिटल ए लेती हूँ तो क्या होगा इसका जब क्रॉस होगा तो सारे ट्रेटिंग कौन सा होगा दिस वन सी आपको थोड़ा पहले से ही मंडल का पूरा सब पता होना चाहिए तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा अगर हम क्रॉस करेंगे तो सारे जीनोटाइप कौन से होंगे यानी कि इसके सारे चिल्ड्रन क्या होने चाहिए अफेक्टेड होना चाहिए राइट बट ऐसा तो नहीं हो रहा है सारे चिल्ड्रन तो अफेक्टेड नहीं हो रहे यानी कि ये वाला ट्रेड हम नहीं ले सकते कौन सा लेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए और इससे हमें क्रॉस कराएंगे तो देखिए ये तो अन है तो ये वाले तो जितने भी अनएफेक्टेड है सबको तो डायरेक्टली हमने क्या लिख देना है स्मॉल ए स्मॉल ए राइट ठीक है दिस विल बी ऑल आर स्मॉल ए दैट वन अनफेक्टेड राइट ये तो बिना देखे आपको लिख देना है अब हमें देखना है ये वाला क्या होगा देखो इसके जो चिल्ड्रन है इसमें भी अनएफेक्टेड है अन एफेक्टेड है तो यहाँ पे भी ये कैपिटल ए कैपिटल ए हम नहीं ले सकते क्योंकि क्रॉस करेगा तो फिर सारों में ही वो ट्रेट अपीयर होना चाहिए तो यहाँ पे भी कैपिटल ए स्मॉल ए ही लेंगे वैसे भी आप इसको क्रॉस कराओगे तो देखिए इसको क्रॉस कराया कौन कौन सा जीनोटाइप बना ये और फिर स्मॉल ए को क्रॉस कराया तो ये तो यहाँ पे चांस तो है ही नहीं ये वाला जीनोटाइप बनने का तो जहाँ भी जितने भी हैं सब जगह हमने क्या लिख देना है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए सो आई होप दिस वन इज क्लियर नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल दिस वन क्या लग रहा है बहुत बिग है डोंट वरी हम इसको बहुत इजीली सॉल्व करेंगे अच्छा अब हम उसकी जनरेशन देखते हैं देखिए इस जनरेशन में अपीयर हो रहा है ट्रेट यस yes, अपीयर हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन देख रहे हैं इसके जो बच्चे हैं ठीक है ये सब क्या है इसके बच्चे इन सब में भी ट्रेट अपीयर हो रहा है यस इट इज अपीयर यानी सेकंड जनरेशन में भी अपीयर हो रहा है थर्ड जनरेशन देख रहे हैं इनकी मैरिज हो रही है इसमें भी ट्रेट अपीयर हो रहा है इसकी मैरिज हो रही है इसमें भी ट्रेट अपीयर हो रहा है और यहाँ पे भी ट्रेट अपीयर हो रहा है यानी कि थर्ड जनरेशन में भी ट्रेट आ रहा है फोर्थ जनरेशन देखते हैं कि यहाँ मैरिज हो रही है तो यहाँ भी ट्रेट आ रहा है तो सिंपल ये तो है ही कि कौन सा ट्रेट हो गया इट इज डोमिनेंट ट्रेट ये तो क्लियर हो गया ठीक है अब हमें पता करना है कि ऑटोजोमल है या सॉरी या, एक्स लिंक है क्या लगता है यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अफेक्ट हो रहे हैं जैसे कि मैंने पिछले वाले में बात की थी द प्रीवियस वन उसमें भी मैंने यही बात की थी तो क्या लगता है ये मेल और फीमेल भी हो रहा है यहाँ पे भी मेल हो रहा है फीमेल देन अगेन फीमेल यहाँ पर है या मेल फीमेल तो क्या लगता है ये ऑटोजोमल होना चाहिए जैसे कि प्रीवियस वन अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो यू आर रॉन्ग यू हैव टू फोकस ठीक है आप देखते हैं ये ऐसा क्यों नहीं है ऑटोजोमल ध्यान से देखिए देखिए अगर आपने आ, एक्स लिंक ट्रेट का बारे में पढ़ा है एक्सलिंक डोमिनेंट ट्रेट के बारे में तो हमने क्या देखा था कि जो फीमेल होती है उससे जब ट्रेट ट्रांसफ़र होता है तो ये क्या करता है मेल और फीमेल दोनों को ही अफेक्ट करता है इक्वली मतलब कि वो ट्रेड दोनों में से किसी को भी जा सकते हैं बट अगर एक मेल में यानी कि फादर में वो ट्रेड होगा तो वो ट्रेड क्या होगा सिर्फ उसकी डॉटर में ही जाएगा ठीक है उसके अलावा उसके सन में कभी भी वो ट्रेड ट्रांसफर नहीं होगा अगर वो ट्रेड क्या होगा एक्स लिंक्ड होगा क्या होगा एक्स लिंक्ड होगा ठीक है क्रिस क्रॉस बताया था मैंने आपको ओके तो एक्स लिंक है मेल से डॉटर में तो अब तो देखिए यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है अब इसके जो चिल्ड्रन है उसमें मेल और फीमेल दोनों को वो इक्वली अफेक्ट कर रहा है ट्रू ऐसा ही हो रहा है बट यहाँ पे जब मेल हो रहा है ना तो देखिए इसमें सिर्फ फीमेल को ही वो अफेक्ट कर रहा है इसमें से ट्रेट उसके सन में नहीं जा रहा है ठीक है ऐसे यहाँ पर भी ये मेल है तो उसके, उसके सिर्फ फीमेल को ही ट्रेट अपीयर हो रहा है उसके सन में ट्रांसफर नहीं हो रहा है जबकि यहाँ पे जो फीमेल है तो उसके मेल और फीमेल मतलब डॉटर और सन दोनों में ही ट्रांसफर हो रहा है हेयर ट्रेट इज ट्रांसफरिंग टू बोथ ओके यानी कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है कि अगर फीमेल में होगा तो मेल और फीमेल मतलब उसकी डॉटर और सन दोनों में ट्रांसफर होगा ट्रेड और अगर उसके अगर अगर फादर में वो ट्रेट है तो वो उसके सिर्फ डॉटर में ट्रांसफर होगा ठीक है तो दैट इज वाई इट इज दी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट नॉट दी ऑटोजोमल ऑटोजोमल में अगर होता तो मेल से जब ट्रेड जा रहा है तो उसके मेल मतलब उसके सन में भी होना चाहिए था इक्वली और सपोज इस केस में नहीं हुआ तो इसमें भी होना चाहिए था ठीक है बट वो तो क्या कर रहा है कहीं भी स्ट्रिक्टली मतलब नहीं हो रहा है तो दैट इज़ वाई इट इज़ एक्स एक्सलिंक डोमिनेंट चलिए क्विकली अब मैं क्या कर रही हूँ मैं सारे सबका तो जीनोटाइप नहीं लिख कर बता रही हूँ सिर्फ जो अफेक्टेड है उनका जीनोटाइप बताती हूँ ठीक है तो देखिए ये तो शुरू में मैं लिख रही हूँ ये एक्स लिंकड है तो अब हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा ठीक है अब हमने पहले तो मैं ये सारा लिख देती हूं ठीक है मैं affected वाला ही बता रही ठीक है बाकी का आप इजीली लिख सकते हैं अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स मैं उसको सेपरेटली लिखकर आपको पोस्ट कर दूंगी ओके मतलब आई विल शेयर द इमेज क्लियर तो देखिए अब इसमें अगर यहाँ पे मैं कह रही हूं कि ये ट्रीट मैंने डॉट के थ्रू बता रही हूं ये ट्रीट अगर दोनों में ही शो किया मतलब दोनों ही है तो क्या होगा उसके जितने भी मेल होंगे ठीक है क्योंकि देखिए ये इसके साथ मर्ज होगा तो x डॉट वाई ये भी मर्ज होगा x डॉट वाई यानी कि जितने भी मेल होंगे वो सब अफेक्टेड होंगे क्या ऐसा हो रहा है ये मेल अफेक्ट हो रहा है मतलब साना अफेक्ट हो रहा है बट ये साना अफेक्ट नहीं हो रहा है तो ये तो पॉसिबल नहीं है यानी कि क्या पॉसिबल है सिर्फ एक पर ही प्रेजेंट है ओके तो फिर देखिए एक पे प्रेजेंट है तो ये अफेक्टेड है तो यहाँ पे आ गया ठीक है अब ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा ये इक्वली फीमेल नहीं अफेक्ट हो रही है तो यहाँ पे भी ये एक में ही आएगा मतलब अब तो चांस है भी नहीं कि दोनों पे आए क्योंकि यहाँ पे ही सिंगल पर है तो नेक्स्ट में तो दोनों पे ट्रेट आने का तो चांस ही नहीं है ठीक है तो बहुत सिंपल है ये सब क्या है सिंगल डॉट है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे भी सिंगल है हेयर ऑल्सो सिंगल सिंगल यहाँ पे भी सिंगल एंड हेयर सिंगल 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 दिस वन दिस वन सो सिंपल सो सिंपल ओके देखिए एक और चीज़ यहाँ पे देखिए ये मेल जो है ये अनफेक्टेड है फीमेल से शादी कर रहा है वो भी अनएफेक्टेड उसके सारे चिल्ड्रन भी अनअफेक्टेड है अगर ये कहीं ना कहीं रेसेसिव कुछ ऐसा होता तो उसके चिल्ड्रन में ट्रेट अपियर हो जाता ठीक है तो रेसेसिव का भी चांस नहीं है सो आई होप द चार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओके In next part, I will share, uh, discuss some more pedigree problems. Okay, uh, and if you really understood this video, please hit the like button, subscribe, and share this channel. Thank you so much for watching this.